नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा और ऊंचा मुकाम रखती हैं, और साथ ही साथ अध्यात्म को वो इस्तेमाल करती हैं पढ़ाने में और बच्चों को मेंटली इतना सेट करती हैं ताकि वो अपनी स्टडीज़ में भी आगे जा सकें, करियर भी बना सकें, और यही नहीं बहुत से फील्ड्स में उनकी हमेशा मांग रहती है स्पिरिचुअलिटी के बारे में स्पीचेस के लिए और कुछ सिखाने के लिए। मेरी मुराद है बहुत ही आदरणीय डॉक्टर सुखविंदर कौर जी, जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना से हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो मैम, पहले तो हम जानते हैं आपके करियर के बारे में कि आप इस समय क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आप बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका बैकग्राउंड कि कहाँ से आप पढ़े हैं, किस शहर से रहने वाले हैं और कब इस जगह इस पोस्ट पे पहुँचे। जी मैम। सर, मैं एट प्रेजेंट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना में काम कर रही हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट में जी। और 1988 से मैं इसी कॉलेज में हूँ। इससे पहले भी मैंने दो तीन कॉलेजेस में सर्व किया है जी। 1984 में मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने और ग्रेजुएशन भी विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटियाला से की जी। और मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करती रही हूँ दोनों साल, एम कॉम पार्ट वन में भी और एम कॉम पार्ट टू में भी। बचपन से ही मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है एक खास इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं एक ऐसे समाज के बारे में हमेशा सोचती रहती थी कि काश दुनिया ऐसी हो जिसमें प्यार ही प्यार है, कोई किसी के साथ जेलेसी नहीं करता, कोई किसी की टांग नहीं खींचता, हर कोई एक दूसरे को अप्रिशिएट करता है जी। मतलब एक ऐसा समाज, और मुझे समाज में वो चीज़ें नज़र नहीं आती थी। मुझे हमेशा लोग डिवाइडेड नज़र आते थे, लोग एक दूसरे की वेलविशर कम नज़र आते थे। मुझे लगता था कि वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को डैमेज करना चाहते हैं। शायद यही मेरी ख्वाहिश थी जिसने मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है डाइवर्ट किया, और मैंने इस फील्ड के बारे में स्टडी करना शुरू किया। और मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि मैंने दिसंबर 2012 जब मैं अप्रॉक्सीमेटली 48 ईयर्स की हो गई थी, मैं दादी माँ भी बन चुकी हूँ। तो मैं दादी माँ बन चुकी थी तब मैंने अपने आप को एनरोल करवाया फॉर पीएचडी, और मैंने इसी टॉपिक के ऊपर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो है डॉक्टरेट किया, और 2017 में मेरी डॉक्टरेट कंप्लीट हुई। और मैं खुश हूँ कि मैंने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च की जो मेरा अपना इंटरेस्ट एरिया था, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानना चाहती हूँ। क्योंकि ये बड़ा एक अचंभा है कि कॉमर्स के फील्ड का एक इंसान हो और वो स्पिरिचुअलिटी की पीएचडी कर ले। रियली रियली वंडरफुल। तो आप किस तरह से फिर अपने अभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के कैसे पढ़ाते हैं उनको? एक तो मैंने तरीका ढूंढा हुआ है कि मैं इससे पहले कि मैं अपनी लेक्चर को स्टार्ट करूं, जो मेरा डेली रूटीन है, उससे पहले मैंने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि आप डेली जो है ब्लैक बोर्ड पे थॉट ऑफ द डे लिखोगे, और वो कोट लिखते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, या मैं स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ कि आप इसको एक्सप्लेन करो, और मैंने उनकी गोल्डन डायरी लगवाई हुई है तो वो सारे उसमें थॉट ऑफ द डे को लिखते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से मैं इस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज उनके साथ शेयर करती रहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आप में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो वो बताते हैं कि मैम पहले हमें गुस्सा बहुत आ जाता था, पहले हम मम्मा का कहना नहीं मानते थे, पहले हम फोकस नहीं कर पाते थे, तो पहले हम में नर्वसनेस थी। यू वोंट बिलीव सुखमिंदर जी कि मैं जिस तरीके से अपनी क्लासेस को टीच कर रही हूँ, तो उसमें जो बच्चे बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड के हैं, तो जो अपना नाम भी स्टेज पे आके नहीं बता सकते, वो जब जो है आके स्टेज पे प्रेजेंटेशंस देते हैं और पूरा टॉपिक जो है अपने कोमेट्स के साथ जो है क्लासमेट्स के साथ शेयर करते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि यस दिस इज़ अ रियल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि मैं इन बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है अप कर रही हूँ, इन बच्चों में सेल्फ बिलीफ को बढ़ा रही हूँ। दे आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, मोर एक्सप्रेसिव, मोर जो है दे आर नाउ मोर कोऑपरेटिव, है ना, उनमें एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप जो है डेवलप हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक को जारी रखें कि स्पिरिचुअलिटी और धर्म में लोग क्या क्या डिफरेंस लेते हैं, आइए देखते हैं आपके कुछ दृश्य और हमारे सभी व्यूअर्स को दिखाते हैं कहां कहां आपने क्या क्या काम किया। मैं
दोस्तों आपने देखे कुछ दृश्य जिनमें आपको दिखाया डॉक्टर सुखविंदर कौर जी किस तरह से स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उनको गाइड करते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब कि आम तौर पे लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप किसी खास धर्म के साथ रिलेटेड होंगे, तो क्या धर्म में और स्पिरिचुअलिटी में कोई फ़र्क है? डेफिनेटली ये दोनों फील्ड का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो इंसान में बेहतरी लेके आना है, उनको बेहतरीन इंसान बनाना है, लेकिन दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। जहाँ तक मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो ये सेल्फ का अध्ययन है, दिस इज स्टडी ऑफ सेल्फ। तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने आप को जानते हो कि हु एम आई। ना सिर्फ ये, आपको यूनिवर्स के बारे में और यूनिवर्स की मिस्ट्री क्या है, उसको कौन रन कर रहा है, किस तरीके से वो सारा इतना ऑर्डरली वे में चलता है, उसके बारे में आपको ज्ञान मिलता है। ये स्पिरिचुअलिटी बेसिकली एक्सपेरिमेंटल या और भी अप्रोप्रिएट मैं टर्म यूज़ करूँ तो ये एक्सपीरियंशियल है, क्योंकि इंसान अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी ही पर्सनालिटी का के साथ जुड़ के जब वो एनालिसिस करना शुरू करता है कि मेरी बॉडी में अल्टीमेटली वो क्या चीज़ है, जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, जो इस बॉडी को चलाती है, तो उसको समझ आती है कि मैं ना ये बॉडी हूँ, ना मैं ये ब्रेथ हूँ, ना मैं विचार हूँ, ये थॉट प्रोड्यूसिंग माइंड भी नहीं हूँ, मैं तो एक फॉर्मलेस एक्सिस्टेंस हूँ जो इस बॉडी के थ्रू ऑपरेट कर रही है और इसको फंक्शनल बना रही है। ये सब्जेक्ट है, बाकी सारी दुनिया, पूरा यूनिवर्स या मल्टीवर्स की भी बात करें, क्योंकि एक ब्रह्मांड नहीं है, लाखों ब्रह्मांड है, शायद करोड़ों ब्रह्मांड हैं, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारी सोच जो है इंसान की इतनी है ही नहीं कि हम वहां तक जा सकें। एक चीज डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगा कि क्या स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एक इंसान अपना डिप्रेशन, टेंशन उसको दूर कर सकता है, और साथ ही साथ क्या उसमें अगर खोया हुआ आत्मविश्वास है तो वापस आ सकता है कि नहीं? 101% मैं पूरी श्योरिटी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर इंसान स्पिरिचुअल हो जाए, उसको पता चल जाए कि मैं ये बॉडी नहीं बल्कि इस बॉडी को चलाने वाली स्पिरिट, एक वाइटल एनर्जी हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ जो इमॉर्टल है, फॉर्मलेस है, जो पीसफुल है, ब्लिसफुल है, लविंग है, केयरिंग है, वो कभी मरती ही नहीं है, तो इंसान को अपनी रियल सेल्फ का, हायर सेल्फ का पता चलेगा। असल में हम लोग अपने आप को ही नहीं पहचान रहे। मैं अक्सर बुल्ले शाह को कोट करती हूँ और मैं यहाँ भी उसको कोट किए बिना नहीं रह पाऊँगी कि पढ़ पढ़ आलम फाजिल हुए हैं, कभी अपने आप नो पढ़िया ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कभी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान ना लड़दे, कदी नफ्स अपनी ना लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़दे, जड़ा घर बैठे उन्हें कदी फड़िया ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वी नो अलॉट अबाउट अदर्स, सानू दुनिया बारे पता है, सानू दूजे लोगों बारे पता है, नहीं पता था सिर्फ अपने बारे। अपने बारे ही रोंग आइडेंटिफिकेशन लेके बैठे हाँ। कुदरत ने, उस परम तत्व ने ह्यूमन बींग्स नो सुपर क्रिएशन बनाया है। यही एक क्रिएशन है जेड़ा इस पूरे यूनिवर्स नो अंडरस्टैंड कर सकता है। एदे अंदर उसने चेतनता पाई है, कॉन्शियसनेस पाई है, जेड़ी कदी मरती नहीं, एजलेस है, टाइमलेस है, और एक कैपेबल है ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तो फिर डिप्रेशन क्यों आएगा? जो सानू ये पता चल जाए कि मैं अपनी बॉडी नू भी हील कर सकदा, मैं हर काम नू कर सकदा, फिर डिप्रेशन क्यों? बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब बातों को अभी हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ दृश्य हम और दिखा दें आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को, और उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सी संस्थाओं को आपने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लाभ दिया और क्या क्या आपकी योजनाएं हैं।
वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं हमारी विशेष मेहमान डॉक्टर सुखविंदर कौर जी, जो गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट से, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा जो जो आपसे जाना। अब ये जानना चाहेंगे कि आप और संस्थाओं को, बैंकिंग के क्षेत्र को, इंडस्ट्री को और NGOs को कैसे आप उनकी वर्कशॉप लगाते हो, अगर कोई लोग चाहते हैं आपसे कॉन्टैक्ट करना तो कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएं, ताकि एक स्पिरिचुअल स्पीच के द्वारा आप उनकी ज़िंदगी भी बदल सको। जी बिल्कुल सर, ये एक फील्ड ऐसा है जिसका क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं देती। ये नॉलेज अपने आप में इतनी कंप्लीट है, इतनी यूज़फुल है कि उसको जब मैं दूसरों के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे अपने आप में बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती है। तो मैं हमेशा ही अवेलेबल रहती हूँ। मैं अभी यहाँ भी जब हम प्रोग्राम को एंड करेंगे तो मैं अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल दे के जाऊँगी, ताकि जो है जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज भी देती हूँ और मैं वर्कशॉप्स भी करवाती हूँ, जिस मेडिटेशन ही कह सकते हैं उसको, कि इट्स काइंड ऑफ महायोगा, जिसके थ्रू मैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल फोर्स है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो फॉर्मलेस सब्सटेंस है या फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस है, जो इस बॉडी को चला रही है, जिसकी वजह से हमारी थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन माइंड काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये सांस चल रहे हैं और हमारी बॉडी फंक्शनल है, तो मैं उस फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस को उनको एक्सपीरियंस करवाती हूँ। तो प्रैक्टिकली जब लोग जो है उस फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करते हैं और एक ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट में जाते हैं, दे लीव देयर बॉडी बिहाइंड, माइंड बिहाइंड, ब्रेथ बिहाइंड, और वो अल्टीमेट जो फोर्स है, वाइटल फोर्स है हमारी बॉडी की, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो उस वाइटल फोर्स की अपनी ही क्वालिटीज़ हैं या अपने ही उसके एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक कि वो पीसफुल है, वो जॉयफुल है, वो ब्लिसफुल है, वो फियरलेस है, उसमें रेजिलियंस है, वो निडर है, वो हर एक की वेल विशर है, लविंग है, केयरिंग है, फॉरगिविंग है, तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं उनको इंसान एक्सपीरियंस भी करता है और उसको पता चलता है कि यस, दिस इज़ आई एम, मैं ये बॉडी नहीं हूँ जिसकी कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, मैं माइंड भी नहीं हूँ विच कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट, वो कभी डिस्टर्बिंग थॉट्स देता है, कभी हैप्पी थॉट्स को प्रोड्यूस करता है, तो वो स्टेबल नहीं है। मेरे अंदर एक ऐसा एग्जिस्टेंस अवेलेबल है जो हमेशा के लिए है, वो परम सत्ता है, वो परम सत्ता है जिसकी वजह से मेरी बॉडी चल रही है। जब वो उस परम सत्ता के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है तो उसमें वो सारी डिवाइन क्वालिटीज़ उसकी पर्सनालिटी में आनी शुरू हो जाती हैं एंड ही और शी बिकम्स अ बेटर पर्सन। क्या बात है, वाकई आपने जितना आज बताया उससे एक चीज़ तो साफ जाहिर है कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, अपने कर्मों को बदल सकता है और अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बना सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बहुत ही ज्ञान की और बहुत ही काम की बातें जानकर। एंड में हमारे बहुत से दर्शक जो हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको अपना नंबर या कांटेक्ट आप ज़रूर बता दें। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9501600237, डॉक्टर सुखविंदर, और मेरी ईमेल आईडी है sukhvinder@gmail.com। सो थैंक यू वेरी मच, आज आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो प्रिया दर्शकों, आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की यह खास इंटरव्यू, और अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए आज कुछ ना कुछ प्रयास कर सकें। साथ ही साथ आपने यदि हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट बहुत से अपडेट्स हम आपको दिखाते रहें। और साथ ही साथ आप फेसबुक पे भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।